नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में पुट्टी करवाने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुट्टी किस रेट में मार्केट में उपलब्ध है, कौन से पुट्टी आपको लेने चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों पुट्टी में कितने तरीके के पैकेज आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही कंपनी का पुट्टी दो से तीन तरीके के पैकेज में आ सकता है। तो चलिए मैं आपको पूरा गाइड इस वीडियो में देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जब भी आप पुट्टी करने की सोच रहे, ठीक है, उससे पहले आपका दीवार बिल्कुल जो है वो प्लास्टर होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है दोस्तों कि तार बिल्कुल जो है वो खींचा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि प्लास्टरिंग में अगर तार हम खींचते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर कोई पाइप में ब्लॉकेज वगैरह है तो उसको तोड़ करके जो है वो आराम से रिपेयर किया जा सकता है। और उसके बाद में जब पुट्टी कर लेंगे दोस्तों तो पुट्टी को उखाड़ना फिर प्लास्टर को तोड़ना ये थोड़ा सा महंगा काम होता है, इसलिए आप तार जरूर खिंचवा लें, ठीक है, उसके बाद आप पुट्टी करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं पुट्टी में जो सस्ता पुट्टी है और महंगा पुट्टी है उनमें क्या अंतर होता है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस का तो अंतर रहेगा ही, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मेन अंतर ये होता है कि अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का पुट्टी लेते हैं तो उसका दोस्तों जो कवरेज एरिया, ठीक है, जो कवर करने का, मान लीजिए कि 1 kg पुट्टी में, ठीक है, ये मान लीजिए कि 30 square feet कवर कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो सस्ता वाला एवरेज वाला जो पुट्टी है वो उससे कम करे, ठीक है, और यही मेन डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस होता है दोस्तों कि दीवार पे जो पकड़ बनाता है, ठीक है, चूंकि ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसका जितना बढ़िया केमिकल कॉम्पोजिशन होगा ये दीवार के साथ पकड़ उतना ही अच्छा बनाएगा। तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं दोस्तों जो फिनिशिंग आती है, ठीक है, फिनिशिंग आती है उसमें भी डिफरेंस होता है। और चौथा होता है दोस्तों इसके कलर में भी कुछ बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ये मेन रीज़न है सस्ते और महंगे पुट्टी का। अब बात कर लेते हैं पुट्टी मार्केट में कितना से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले साइड पे हमने जो है वो बिरला वाइट का बिरला पुट्टी जो है वो गिराया हुआ है, ये अपर साइड में आता है, ठीक है। इससे अगर कम रेट में अगर लेना चाहते हैं, जहां मैं हूँ उसी जगह का मैं बता रहा हूँ, तो आपको दोस्तों बर्जर का लगभग आपको जो है प्रति बैग के हिसाब से, एक बैग का जो पैकिंग है वो 40 kg का आता है। किसी भी कंपनी का लेंगे 40 kg का बोरा आता है, ठीक है, 40 kg के बैग का आपको बर्जर का लगभग 600 से 620 रुपये तक पड़ेगा, ठीक है, प्रति बैग के हिसाब से। और ये जो रेट बता रहा हूँ दोस्तों ये पुट्टी का भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ दुकान से जो घर तक लाने का जो किराया है, जो रेट है, जो भाड़ा है दोस्तों, वो भी आपको दुकानदार ही देगा, ठीक है। मतलब पहुंचा करके आपको बर्जर का लेने जाएंगे 600 से 620 रुपए तक, क्योंकि अलग अलग दुकान में हमने जो है वो पता किया हुआ अलग अलग डीलर से, तो इस तरीके के रेट आए हैं, ठीक है, मिनिमम 600 रुपए, उससे कुछ कम भी हो सकता है क्योंकि लोकेलिटी पे और साथ साथ जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे दूरी पर ये वैरी करता है। दूसरी चीज़ है पैकिंग दो तरीके से होता है, ठीक है, और कंपनी की बात कर लेते हैं तो बिरला का अगर बात कर लेते हैं तो ये अपर साइड में आता है लगभग 700 से 720 रुपये तक। इस साइड पे हमने जो है वो 700 रुपये प्रति बैग के हिसाब से जो है वो पुट्टी गिराया हुआ। आप अपने एरिया का रेट जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों डूलेक्स का भी लेने जाएंगे तो वो बर्जर की तरह ही है, वो भी 600 से लेकर के 620 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मिल जाएगा आपको। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना होगा कि इसमें भी दो तरीके से पैकिंग होते हैं, ठीक है, लगभग जितने भी पुट्टी आते हैं सभी में कूपन निकलते हैं, ठीक है। कूपन का क्या फंडा रहता है दोस्तों कि जो मिस्त्री जो इसको जो है वो दीवार पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो मिस्त्री क्या करते हैं दोस्तों उस कूपन को रिडीम करते हैं। वो 10 रुपये का भी हो सकता है अलग अलग कंपनी में, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 40-50 रुपये तक भी प्रति बैग के हिसाब से। तो ये फ़ायदा किसको होता है, ये होता है मिस्त्री को, ठीक है। तो मिस्त्री क्या करते हैं कि वो प्रति जब भी बैग खोलेगा तो उसको एक कूपन मिलेगा 30 से 40 रुपया उसके आगे, ठीक है। और एक आपको नुकसान क्या होता है, क्योंकि उसमें तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक कंपनी के द्वारा ऐसा भी पैकिंग किया जाता है, ऐसा भी बैग बनाया जाता है जिसमें कूपन नहीं रहता है, तो वो मालिक के लिए ज़्यादा बेनिफिट देता है। क्योंकि दोस्तों आप 40 रुपया आपको प्रति बैग के हिसाब से कम पड़ेगा, चूँकि 40 रुपये का उसमें कूपन है, 40 रुपया उसको कम पड़ेगा, तो वो प्लेन आपको जो है पुट्टी मिलेगा जिसमें कूपन नहीं रहेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मिस्त्री को 30-40 रुपये प्रति बैग के हिसाब से देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। तो दुकानदार से क्लियर कर ले कि आपको कूपन वाला बैग चाहिए या फिर बिना कूपन वाला बैग चाहिए।
दोस्तों वैसे तो मैं ये भी बताना चाहता था कि लेबर कॉस्ट कितना लगता है, एक रूम को करवाने में कितना पुट्टी लगता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो का आप वेट कर सकते हैं और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।